रेडी? उसे लग रहा था वो कूल बन रहा है, पर बहुत देर हो चुकी थी जब समझ में आया कि वो तो साला फूल बन रहा है, गुलाब का नहीं। वो तो वैसे भी फूल होता है। एनीवे, दोस्त ने बोला ट्राई करना, लाइफ में स्ट्रेस है, लड़की नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग को थोड़ा हाई करना, थोड़ा थोड़ा डर लगा उसे, थोड़ा तो नहीं बहुत डर लगा उसे। एनीवे, तो थोड़ा डर लगा उसे, लेकिन एवरेज कहलाने से ज्यादा डर लगता था। उसे सबको दिखाना था कि वो क्या क्या कर सकता था। फिर क्या, सिगरेट, दारू और भी बहुत कुछ, पार्टीज, लेट नाइट्स और भी बहुत कुछ, फ्लिंग्स, अफेयर्स और भी बहुत कुछ, घर वालों से झूठ और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे पढ़ाई भी करने लगी सफर, लेकिन बस एक हिट और जिंदगी लगती थी एक सफर। उसे फील भी नहीं हुआ और इस सफर में बीत गए 3-4 साल। पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप सबके लग गए, हो गए जिंदगी के बुरे हाल। रोज सुबह एक ही टेंशन होती थी उसे कि यार आज के माल का जुगाड़ तो हो जाएगा ना। एक स्टेबल कॉन्फिडेंट बंदा डर के ये सोचने लगा था कि यार साला सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना। उसके फ्रेंड्स के बनाए मीम्स होते थे वायरल, बट उसकी लाइफ वॉज इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल लाइक अ रियली फास्ट वन। इसलिए ये पार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाता हूं। गौरव भाई बीट देना, ढंग का कोई बंदा करता नहीं था बात, रह गया वो 2-3 लूजर्स के साथ। कॉलेज और करियर को लेके जब भी फटती थी, फॉइल पेपर खोल के एक लंबी ट्रेन लगती थी। आंखों को मीच, धुआं अंदर खींच, अपनी ही आंखों में हो गया वो नीच। मम्मी की, पापा की, सबकी एक्सपेक्टेशन, जितना भी सोचो होती थी फ्रस्ट्रेशन। पड़ोस वाली आंटी बोलने लगी शेमलेस, सर्कल में अपने वो हो गया था नेमलेस। लेकिन जब भी फटती थी एक लंबी ट्रेन लगती थी, आंखों को मीच, धुआं अंदर खींच। फिर एक दिन जब आंख खुली ना, मां खड़ी रो रही थी, पापा साइड में थे, एक नर्स पानी से उसका मुंह धो रही थी। जब पापा को गिफ्ट देने थे, मां की सेवा करनी थी, तब वही मां उसका वजन ढो रही थी। डॉक्टर ने बोला था ओवरडोज है, नशा खून में भर चुका है, बोला था बाल बाल बच गया है, लेकिन उसे मालूम था कि वो तो अंदर से मर चुका है। बहुत से दोस्त और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाने के बाद उसने अपनी लाइफ की वैल्यू को पहचाना। मरते मरते बचने के बाद उसने ये जाना कि जिस दिन उसे लग रहा था ना कि वो तो कूल बन रहा था, उसी दिन एग्जैक्टली तभी वो तो फूल बन रहा था। अब भी पार्टीज में जाता है, लेकिन खाना और डांस ही उसको भाता है, क्योंकि सब उसकी तरह लकी नहीं होते, ये बात वो मान गया है। तो कूल बनने के लिए पार्टी में पिल नहीं, स्टेज पर माइक ड्रॉप करो, ये बात वो जान गया है।